हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे टू जेड किचन। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल होटल स्टाइल बर्गर। तो देख के ही समझ में आपको आ गया होगा कितना यमी बनने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, इसे फटाफट से बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। मैं 6 बर्गर बना रही हूँ, तो मैंने 6 आलू बॉईल किए हैं मीडियम साइज़ के। तो इसे हमने सबसे पहले अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और इसमें मैं ऐड कर ले रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, हल्दी, काश्मीरी लाल मिर्च, नमक, कटी हुई प्याज और धनिया का पत्ता। इन सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो है इसे इस तरह से पेड़ा बना लेना है और इसे हाथों से फ्लैट करते हुए इतने मोटे में जो है हमने इसकी टिक्की बना लेनी है। तो इसी तरह से हमने सारी टिक्की रेडी कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें मैंने लिया है 1 चम्मच भुना हुआ चने का पाउडर, उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, इसी जो है फ्लैट करके मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे बहुत ही क्रंची जो है हमारा टिक्की बन के रेडी होती है। दूसरा मैंने ले लिया है लोहे की कढ़ाई और उसमें मैंने ऑयल ऐड कर लिए हैं, उसे मैं गरम कर ले रही हूँ और उसमें मैंने टिक्की को ऐड करके इसे फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ही क्रंची बना लेना है। देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह हमने सारे टिक्की रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए हमने इसको टिश्यू पेपर भी निकाला है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो हमारी टिक्की हो चुकी है फ्राई। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो हमने लिया है बर्गर इस तरह के, देख सकते हैं ये मोटे वाले आते हैं और इसको मैंने बीच से कट कर लेना है। इसी तरह से हमने सारे बर्गर को जो है कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब इसको रखते हैं हम साइड में। दूसरी तरफ मैंने लिया है तवा और तवे पे मैं 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। ऐसे मीडियम फ्लेम पे हमने जो है हमारा जो बर्गर है उसे सेक लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे हल्का हल्का इसमें जो गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। ऊपर से भी हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि जो ऊपर का लेयर है वो भी थोड़ा क्रंची हो जाए और खाने में टेस्टी लगेगा। तो बस देखिए इस तरह से बस हमने कर लेना है और सारे बर्गर को हमने इसी तरह से जो है रोस्ट कर लेना है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ हमने लिया है सैलेड, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, प्याज, उन सबको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो इसे अब रख देते हैं साइड में। दूसरा हम ले लेते हैं बर्गर को और बर्गर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें हम लगा देते हैं हरी चटनी और इसके ऊपर से हम ऐड कर देते हैं मेयोनीज। ये वेज मेयोनीज है, आपको जो पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें ऊपर से रख दिए खीरा, फिर प्याज को, टमाटर, फिर इसके ऊपर से शिमला मिर्च और इसके ऊपर से हमने रख देनी है टिक्की। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा प्रेस कर देना है। इसके ऊपर से फिर हम लगा लेंगे टोमेटो केचप, इसके ऊपर से फिर वही लेयर हम कर लेंगे खीरे का, प्याज, फिर टमाटर और फिर शिमला मिर्च इस तरह से। तो बस, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके ऊपर फिर से हम लगा देंगे हरी चटनी और मेयोनीज इस तरह से। बस अच्छे से इसे फ्लैट कर लेंगे और इसके ऊपर से इसे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए जो हमारा बर्गर है वो कितना यमी दिख रहा है। इसी तरह से हमने सारे बर्गर को रेडी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो बर्गर है कितना यमी बन के रेडी हो गया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं फिर एक और इसी तरह की नई डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय।